हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। ठीक है, तो जैसा कि गाइस आप सभी को मैं बताना चाहता कि हमारे चैनल पे कंटिन्यू इंग्लिश की वीडियो आ रही, एरर्स से लेकर फिलर, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ को यहाँ पर इस वीडियो में मैंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है आपका यहाँ पर एरर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट रूल लगे तो उन्हें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रितिका वर्क वेरी हार्ड सो दैट सी माइट नॉट कीप द अदर्स वेटिंग टू लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या एरर दिखता होगा, सबसे पहले नोट कर लें। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसा जो कि आपको एक नज़र में क्लिक होगा और एग्ज़ाम में आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रितिका वर्क वेरी हार्ड सो दैट सी माइट नॉट, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रहा है कि चलो सेकंड क्लॉज भी देख रहे हैं कि आपका पास्ट फॉर्मेशन में ही है। ठीक है, तो बात यहाँ पे कुल मिलाकर इसका नहीं हो रहा, बात कुल मिलाकर यहाँ पे देख रहे हैं एक वर्ड है कि कीप। ठीक है, सी माइट नॉट कीप द अदर वेटिंग टू लॉन्ग, कीप यहाँ पे, ठीक है, कीप, तो कीप तो एक वर्ड आप नोट कर लें, उसके साथ साथ कीप हो गया, एक और वर्ड नोट कर सकते हैं माइंड, एक और वर्ड आप नोट कर लें यहाँ पे जो कि एग्ज़ाम में कई बार ये वर्ड देकर आपको फंसाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, कीप हो गया, माइंड हो, कैन नॉट हेल्प, जब भी ये दिखे वर्ड, ठीक है, रितिका वर्क वेरी हार्ड सो दैट सी माइट नॉट कीप, कीप दिखा, माइंड दिखा, कैन नॉट हेल्प लिखा, तो इसके बाद जो होगा, इसके बाद क्या होगा, आपका जो वर्ब होगा कैसा फॉर्मेशन में होगा, जेरंड फॉर्म में होगा। ठीक है, जेरंड होगा, वर्ब कैसा होगा आपका, जेरंड होगा, और जेरंड का मतलब यहाँ पे जो होगा आपका आईएनजी से रिलेटेड है। ठीक है, मीन्स कि इसके बाद जो वर्ब होगा वो क्या होगा आपका, वेट ना होकर बल्कि यहाँ पे क्या करना होगा, वेटिंग करना होगा। ठीक है, कीप द अदर्स वेटिंग, ठीक है, इसी तरह माइंड होता कोई दूसरे सेंटेंस में तो उसमें भी आपका इसके बाद जेरंड के फॉर्मेशन में आईएनजी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें कि दे कैन नॉट हेल्प लाफिंग, ठीक है, दे कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हिम, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, या एक और एग्जांपल अगर माइंड की बात करते तो विल यू माइंड माय कमिंग लेट, ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें ध्यान रखना होगा। कीप माइंड कैन नॉट हेल्प, फर्स्ट क्वेश्चन में था कीप माइंड कैन नॉट हेल्प, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें ये रूल है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते, द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड थ्री ऑफ बी टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट। ठीक है भाई, टीचर बिजी थे और क्या, अगर टीचर बिजी थे तो क्या कहें भाई, जो हम लोगों में से जो भी स्टूडेंट होंगे या फिर वहाँ पे कोई कर्मचारी होंगे, तो खैर बेसिकली जो टीचर होते किसको कहते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं। तो स्टूडेंट की बात हो रही कि क्या किए कि हम लोग को डिवाइड कर दिए उस काम के लिए। ठीक है, हम लोग को डिवाइड कर दिए उस काम के लिए कि भाई इस काम को डिवाइड कर देते और मिलकर करते हैं ना। द टीचर वाज बिजी एंड आस्क थ्री ऑफ बी टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट, मीन्स कि उस काम को डिवाइड कर दिए और करने के लिए हम लोगों को कह दिए। ठीक है, एक चीज़, सब चीज़ यहाँ पे बात समझ में आ गई, एक चीज़ समझ में नहीं आया था वो क्या था। ठीक है, यहाँ पे पास्ट फॉर्मेशन में एंड यहाँ पे उसके बाद से वो सेकंड क्लॉज भी स्टार्ट होता है एंड के बाद कंजंक्शन के बाद, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे थ्री जो दिख रहा है, थ्री ऑफ बी, ठीक है, ये देख रहा होगा आपको क्या है, ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, बहुत छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक है, प्रीपोजिशन है, थ्री ऑफ, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, प्रोनाउन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे वी सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा बल्कि अस होगा। ठीक है, बी के जगह आपको काट के क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस बनाना होगा, थ्री ऑफ अस टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी रूल के आधार पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट था ही, सेकंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं ऐसे क्वेश्चन को क्यों सिलेक्ट किया हूँ कि इसमें रूल है, ताकि आपको रूल अगर समझ में आ जाए, बस कुछ नहीं है, बेसिकली जो इंग्लिश होता है 70% आपको जो होते हैं रूल बेस्ड ही होते हैं,
नेक्स्ट है मिस्टर गुप्ता हैज़ ड्राइवन ऑलमोस्ट ट्वाइस सो फार एज मिस्टर खन्ना हैज़। अब यहाँ पे एक चीज़ जैसे दिखा होगा सो फार का रूल आप नोट कर लें, ठीक है, सो फार का आप रूल नोट कर लें, सो फार एज, ठीक है, जहाँ भी सो फार एज दिखे, ठीक है, सो फार एज दिखे तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है, सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में ही ये होता है, ध्यान रखें। लेकिन अगर हम बात करेंगे सो डैश डैश सो एज, सॉरी सो एज का तो कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, सो एज का कॉम्बिनेशन हो गया, अब यहाँ पे बात करते हैं एज एज का, ठीक है, एज एज की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा एज एज का जो होता है ये आपका निगेटिव में भी होता है एंड आपका अफर्मेटिव में भी होता है सेंटेंस में, तो दोनों सेंटेंस में अफर्मेटिव में भी होते हैं निगेटिव में होते हैं, एज एज का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, या कंजंक्शन होता है यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है हमेशा निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में होता है, लेकिन सो फार का बात अगर हम करें तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी भी आपको केसेस दिखे, चूँकि सेंटेंस में कहीं भी ये क्या है, ये सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, तो भाई आपको यहाँ पे सो फार एज काटना होगा, बल्कि एज यहाँ पे करना होगा, क्या करना होगा आपको एज, ठीक है, एज यहाँ पे करना होगा एज फार एज, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी आपका रूल था सो फार एज के लिए, सो फार एज के लिए निगेटिव में सिर्फ अगर सेंटेंस अगर यहाँ पे नॉट वाला होता तब तो ये सही था, लेकिन नॉट तो है नहीं तो एज फार एज का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर एडवाइज सुरेश एंड मोहन फॉर गोइंग स्विमिंग बिकॉज इट वॉज गुड फॉर देम। यहाँ पे भी देखिए रूल है, यहाँ पे भी क्या रूल है, क्या रूल है, देखिए एडवाइज, एडवाइज आपको दिखा तो एडवाइज के बाद, ठीक है, एडवाइज के बाद ध्यान रखिए एडवाइज के बाद जब भी जो वर्ब का जो फॉर्मेशन होगा कैसा बनेगा, टू प्लस वी वन का फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइज सुरेश एंड मोहन यहाँ पे फॉर गोइंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पे टू गो होगा, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज टू सुरेश एंड मोहन टू गो स्विमिंग, ठीक है, टू गो स्विमिंग बिकॉज इट वॉज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, और चलिए यहाँ तक तो हो गया, हाँ चलिए टू गो स्विमिंग बिकॉज इट वॉज गुड फॉर देम, ठीक है। तो एडवाइस के बाद ध्यान रखिएगा जो वर्ब का फॉर्मेशन होगा टू प्लस वी वन का होता है यहाँ पे फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट साम वर बेंट प्रेजेंट ऑन द फील्ड, प्रेजेंट ऑन द फील्ड ऑल द प्लेयर्स, ध्यान रखिए ऑल के बाद जब भी अगर नाउन आए, ठीक है, अगर वो काउंटेबल होगा तो क्या होगा प्लोरल में होगा, ये तो सही है भाई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं वर्ब चेक कर लेते, चूँकि ऑल है प्लोरल है तो ये प्लोरल, ये भी सही है। अब बात करते हैं ये भी चेक कर लिए, सब्जेक्ट भी चेक कर लिया, वर्ब भी चेक कर लिया, तो प्रीपोजिशन भी चेक कर लेंगे ना, तो प्रीपोजिशन ऑन यहाँ पे नहीं होगा बल्कि इन होगा, ध्यान रखिएगा प्रेजेंट इन होगा, प्रेजेंट इन द फील्ड, ठीक है। तो फील्ड और हॉल ध्यान रखिएगा, फील्ड के लिए या हॉल के लिए, इन दोनों के लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रेगुलर प्रैक्टिस, द टीचर ड्रू, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, एन अटेंशन ऑफ द बॉयज, ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है नाउन है, प्रीपोजिशन है नाउन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसे जब यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन है फिर नाउन है ना, फिर ये क्या आपका ये भी नाउन है, मीन्स नाउन प्रीपोजिशन और नाउन, ऐसे केस में जब ये केस बने तो पहला जो लास्ट वाला नाउन के पहले द तो है, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो फर्स्ट वाला नाउन है इसके पहले भी एन नहीं होगा बल्कि द का यूज़ करेंगे, द टीचर ड्यू द अटेंशन ऑफ द बॉयज, ठीक है, एन अटेंशन ऑफ द बॉयज नहीं, ध्यान रखिएगा। तो नाउन ऑफ नाउन वाले कंस्ट्रक्शन में पहले नाउन
जो नाउन के पहले जो होता है, क्या हम वैसे यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या यहाँ पे एरर है, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट एफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। आपको पता है कि भाई यहाँ पे कार के लिए यहाँ पे ये यूज हुआ ए, ठीक है, चूँकि कार यहाँ पे क्या है, नाउन है, और अगर नाउन काउंटेबल है तो हम लोग ए या एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे देख लीजिए एक्सपेंसिव लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है एक्सपेंसिव लिखा गया है, और एक्सपेंसिव का अगर अगर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल किसके पहले यूज़ करते हैं, एक कार के पहले नहीं बल्कि एडजेक्टिव के पहले यूज़ करते हैं। तो एडजेक्टिव का जो फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं ई, ई क्या है, आपका वोवेल साउंड है, क्या है, वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड है तो इसके पहले हम ए का नहीं बल्कि एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट एफोर्ड टू बाई एन एक्सपेंसिव कार, ठीक है। कार के लिए लगेगा कि ए कार तो सही होता है, लेकिन अगर उसके पहले एडजेक्टिव भी चेक करें तो एडजेक्टिव का अगर साउंड देखें तो वो वोवेल साउंड है, ठीक है, तो हम आर्टिकल का भी यूज़ करते हैं। अगर उसके पहले एडजेक्टिव आ जाए तो कार के पहले नहीं बल्कि एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि व्हेन चार्ल्स वॉज इन द हॉस्पिटल हिज सिस्टर सेंट मच फ्रूट दैन हिज अंकल, ठीक है, मच फ्रूट दैन अंकल, एक जैसे सेंटेंस पर एक वर्ड दिखता है दैन, दैन से क्या हो रहा है कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, कंपैरिजन तो कंपैरिजन हो रहा है तो मच तो होगा नहीं, ठीक है, बल्कि यहाँ पे मच की जगह पे हमें क्या करना होगा, मोर का यूज़ करना होगा, मोर फ्रूट दैन हिज अंकल, ठीक है, क्योंकि मोर क्या है कंपरेटिव है, ये क्या है कंपरेटिव डिग्री है, और कंपरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं जब दैन हो तो कंपरेटिव डिग्री के लिए मोर का यूज़ करते हैं, मोर फ्रूट नॉट मच फ्रूट, ठीक है। मच की अगर हम बात करें, मच की हम बात करें, मच हो या फिर अगर मेनी हो तो ये हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, ठीक। तो बस ये जितने भी क्वेश्चन थे, हालांकि क्वेश्चन काफ़ी कम है लेकिन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूल अगर आज 8 ही अगर क्वेश्चन में अगर आपने 8 रूल सीखा और 30 डेज आपने अगर इस तरह से पढ़ते रहे कंटिन्यू तो आप समझ सकते हैं कि 250 रूल्स और 250 रूल्स आपको 15 मार्क्स प्लस आपको दिलाने के लिए काफ़ी हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे क्या है कि इसका रूल जो है आपको वहाँ पे पीडीएफ के तौर पे मिल सकता है या फिर पेज में लिखा हुआ मिल सकता है। गाइज थैंक यू वेरी मच।